खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसम वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ एक हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ, जिसे लगाकर आप जिन लोगों के बाल बहुत झड़ रहा है और जिन लोगों के बाल बहुत ही ऑयली है और जिन लोगों के बाल बहुत ग्रोथ भी नहीं हो रहा है उतना जल्दी, तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो। तो वीडियो पर पूरा बने रहना और वीडियो को देखते रहो। और हाँ, ये बनाने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ रेमेडी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ आप लोगों के घर में ही मिल जाएगा बहुत ही ईजीली। और तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज, इसके लिए जो पहले लगेगा वो है आलू। तो इसको पहले अच्छे से धो लेना पड़ेगा क्योंकि इसके जो बाहर जो गंदा रहता है वो सब धोकर निकलना पड़ेगा। तो मैंने धो लिया है, अब इसको ग्रेट करना पड़ेगा। तो चलो। तो आप लोग यही सोचोगे कि आलू कैसे आप लोगों को हेयर की ग्रोथ को और सिल्की कर सकता है और ग्रोथ को बढ़ा सकता है। तो आलू में बहुत ज़्यादा विटामिन और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि आलू में विटामिन सी रहता है, ए रहता है और आयरन भी रहता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ग्रोथ में आपके बहुत हेल्प करता है। और आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है जो कि आपके हेयर फॉलिकल रहता है उसे नरिश करता है और आपके बालों को बहुत सिल्की बनाता है। सो गाइस, मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अभी इसको एक कप पानी दे दूंगी इसमें और इसके पानी देने के बाद इसको अच्छे से मसल लूंगी, क्योंकि मसलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था आलू में स्टार्च रहता है जो मसलने से जो आपका हेयर फॉलिकल रहता है उसे नरिश करता है और आपके बालों को हेल्दी बनाता है, सिल्की बनाता है। तो इसे मसलने से इसका जो सारा स्टार्च रहता है वो पानी में आ जाएगा। तो अब हम इसे थोड़ी देर तक पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और हाँ, पकाने के वक्त आप लोगों को चम्मच से हिलाते जाना है क्योंकि नीचे जल जा सकता है, इसलिए तो आपको हिलाते जाना है चम्मच से। और ये, और आपको पता कैसे चलेगा ये पकना स्टार्ट हो चुका है? तो देखना, ये जेल टाइप्स का हो जाएगा ये, इसका पानी को जब आप चम्मच से निकालोगे तो तब देखना ये जेल टाइप्स का लगेगा। तो तब समझ लेना आपका ये जो रेमेडी है वो रेडी हो पककर रेडी हो चुका है। और तभी आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना। तो अभी हम इस रेमेडी को ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम लोग इसको मिक्सर जार में देकर हमें इसका अच्छा सा पेस्ट बनाने हैं। और पेस्ट बनाने के बाद ये हम एक बाउल में डालेंगे और बाउल में डालने के बाद इसको इसमें एक कैप्सूल मिलाना है जिसको जो आपको इजीली कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा और आपका घर में भी स्टोर होता है, कोई कोई यूज़ करता है हर रोज़, तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा विटामिन ई कैप्सूल। तो हम वही देंगे इसमें एक। तो इसे कैप्सूल को देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना। और हाँ, अगर आप लोग हेयर में ऑयलिंग कर रखे हो तो इसमें ऑयल मत मिलाना, और नहीं करे हो तो एक चम्मच ऑयल दे मिला लेना क्योंकि ये आपके हेयर को बहुत ड्राई कर देगा, तो इसलिए ऑयल बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, हालांकि ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा पर फिर भी ऑयल ज़रूरत होता है। तो आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो वही एक चम्मच एक टीस्पून मिला देना, उससे ही हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर। तो अब इस रेमेडी को आप लोग आपके हेयर के स्कल्प पे और जो लेंथ होता है वहाँ पर हर जगह पूरा अच्छे से लगा देना। और लगाने के बाद 20 से 15 मिनट तक रखना और उसके बाद धो लेना, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखना नहीं पड़ता है क्योंकि ये ड्राई कर देता है ना चूल बालों को। तो मैंने बताया था पहले, ये ड्राई कर देता है, ज़्यादा देर पूरा सूखने के लिए आपको नहीं रखना पड़ेगा, 20 से 15 मिनट तक रखने से ही हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग, कोई कोई तो दो बार शैम्पू करता है, तीन बार भी शैम्पू करता है, तो इसे लगाने के बाद एक बार ही शैम्पू करना। उसके बाद देखना आपके बालों बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को।